हे माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सभी का। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी अच्छे हो गए। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 4:47 और बहुत ज़्यादा लेट हो गया आज ब्लॉग स्टार्ट करने में, क्योंकि आज थोड़ा वीक फील कर रहा था मैं, तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है, फीवर टाइप का लग रहा था। सो गाइस, अभी का प्लान ऐसा है कि अभी हम लेके निकल रहे हैं अपनी बसंती को एक राइड पे। सो अभी को भी देख सकते हो क्या करने रखा रहा गोलू खाने में लगा पड़ा है, ठीक हुआ जो कि प्रसाद होता है छठ पूजा का। इसको पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, किसान भी रखी हुई है, खाने को एनर्जी आ जाएगी, ऐसे जिसकी सोच। सो गाइस, निकलते हैं अब, लाइक स्टार्टेड। सो गाइस, बाइक तो हमने चमका ली है, कपड़ा मार दिया पूरा। ये हमारा है सॉक्स, जूते पहन लेते हैं गाइस, जूते पहनता हूँ। देखिए गाइस, इसको जाने की तैयारी हो रही है, अकेले अकेले जा रहा है, जो भी जूता पहन रहा है। और ये ला बंक, पापा ने बोला कि पढ़ने के लिए या आधा घंटा यह बंक को चलने के लिए। और ये सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइस, सबसे पहले पेट्रोल डलवाता हूँ मैं, क्योंकि यार ये देख लो, बार बार शो रहा है पेट्रोल भरवा दो प्लीज़, पेट्रोल भरवा दो प्लीज़। अगर ये पेट्रोल इंडिकेटर की जगह साउंड इफेक्ट भी लगा देते, ऐड कर देते उसके साथ, तो क्या इफेक्ट लगना चाहिए था। मालिक इतना खर्चा हो गया है तो पेट्रोल भी भरवा ही लेते हैं, सूटेबल। सो गाइस, मैंने इंस्टा का लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का अपने, तो इंस्टा पे भी फॉलो करो जो भी बंदे वीडियो देख रहे हैं। आपको कोई भी सजेशन देने हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी, कोई सी भी बात हो, आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, 24/7 अवेलेबल। तो गाइस, मैं आज अपनी बाइक भी सर्विस पे डालने वाला था, जो कि मैं डाल नहीं पाया, क्योंकि यार थोड़ा वीकनेस सा लग रहा था सुबह से, मॉर्निंग से, तो मैं गया ही नहीं। कोई नहीं, कल चल लेंगे, अभी थोड़ा शाम में सही लगा इसलिए निकलना पड़ा। सो गाइस, जब डेली व्लॉग्स का मैंने कर रखा है स्टार्ट, तो उसको ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं गाइस, उसको ऐसे बंद भी नहीं कर सकते ना। गाइस, हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 12 नोएडा। यहाँ सबसे पहले हम डलवाते हैं पेट्रोल। ओह माय गॉड, पेट्रोल पंप पे बिल्कुल भीड़ नहीं है, कि बहुत ही अच्छी बात है। $250, $250. देखो मैं कहाँ पैसे रखता हूँ, अंदर दुबका के। सो गाइस, लेट्स गो। तो गाइस, ये है नोएडा स्टेडियम, जो कि हमारे घर से बहुत पास है। यहाँ पे दशहरा मेले में गए हुए थे हम, जो बंदे व्लॉग में स्टार्टिंग से जुड़े हुए उन्हें पता होगा।
सो गाइस हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, वैसे हमें निकलना था एक राइड पे, तो हमने सोचा कि यार थोड़ा दूर ही जाया जाए। सो मुझे नहीं पता मैं कहाँ आ चुका हूँ, बोले तो जब वापस जाएंगे तब पता लगेगा हमें कि हम कितनी दूर आए हैं, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। लोकसभा गाइस ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, इस्कॉन टेम्पररी रोड आई गेस। हाँ यार वही है, अब यहाँ से जाएंगे तो हम वापस पहुँच जाएंगे स्पाइस मॉल पे। नो यहाँ से जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे राइट। ओह हम साइड ऑफ वाली रोड पे आ गए। सही में यार सोचो गाइस कभी कोई हमारा अगर पीछा कर रहा हो, ऐसे सपोज करो कि अगर कोई पीछा कर रहा हो कि ये जाता कहाँ कहाँ है, वो बंदा भी कितना हंसेगा ना। कोई काम धंधा नहीं, इस रोड से घूम के तो पूरा चक्कर काट रखा है इधर से इधर उधर से। सो गाइस हम टहलते बहलते आ गए नोएडा स्टेडियम के अंदर। सो देख लो अब इस गड्ढे को वापस फील कर दिया जाएगा और अगले साल फिर हो किया जाएगा, छठ पूजा के लिए किया गया था ये। सो थोड़ी देर यहीं घूमते हैं और फिर घर चलते हैं। आज घर निकलने से पहले आ गए हैं सेक्टर 12 मार्केट एरिया में और मोमोज़ खाते हैं फिर घर निकलते हैं। मोमोज़ मैंने मंगा लिए। सो गाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम नॉन वेज मोमोज़, जस्ट ट्राई कैसा टेस्ट है। सो गाइस अभी नोएडा स्टेडियम गया था, वहाँ पर मैंने देखा एक लड़की यार स्प्लेंडर चला रही थी। देख यहाँ पे स्कूटी वगैरह अलग चीज़ है, स्प्लेंडर मैंने पहली बार देखा किसी लड़की को चलाते हुए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो गाइस ये रेड लाइट है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो वीडियो करता हूँ बंद और सीधा मिलता हूँ आपसे घर जाके। गाइस अभी घर पहुँचा और गोलू गुस्से में बैठा हुआ है, कह रहा है कि मेरे लिए मोमोस मिल आया। सो गाइस अरे मुझे एकदम से याद आया कि मंगलवार है आज, तो घर में नॉन वेज मोमोस ला नहीं सकते, तो हम बाहर खा के आ गए। अच्छा हूँ मैं कैमरा बंद होगा, तो क्या मतलब मैं कैमरा बंद ही नहीं करूँगा। सो भाई सब बंद करना कैमरा बताना। आप भी BTS देखने लगे गुंजन दीदी की तरह। BTS गुंजन दीदी बेस्ट फैन है। BTS हाँ बिग फैन है। कब पता चला? मुझे बहुत दिन पहले पता चल गया था। BTS आर्मी है। चप्पल पहन के वो भी देखो कौन सा, देखो देखो जिम जा रहे हैं, कहीं से लग रहा है जिम जा रहे हैं। कल नहीं देखी, जाके देख के आ जाओ। जाओ जाओ ले आ ले और कैसे हाथ दे बस काटे गए। तो रुको जरा सबर करो तो गाइस फाइनली सुदेश 18 साल का हो चुका है। सो ये एडल्ट हो चुका है अब। सो एडल्ट बॉय केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइस हमारे पड़ोसी फ्रेंड का बर्थडे था और जो कि पूरा सेलिब्रेशन हो चुका है और खाने का भी अरेंजमेंट उसी के घर पे था, तो खाना पीना भी खा लिया है। सो मम्मी गुस्सा कर रही है कि बता तो देता तेरे से कभी खाना बन गया। सो कोई नहीं गाइस होता है, एकदम से इंस्टेंट प्लान बन गया, मुझे भी याद नहीं था। सो अब खाना पीना डन हो गया, अब लगते हैं एडिटिंग पे और देखते हैं कितना टाइम लगता है। एडिटिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार, और ऊपर से मैं फ़ोन पे एडिट करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो गाइस कंप्यूटर से भी करेंगे। सो इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड, और कल मिलता हूँ आपसे एक और बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय।